सो गाइस आज की वीडियो में हमारे पास एक बार दोबारा से पावर आ जाती है पैसे देकर कोई भी एक डार्क हीरोज एंटिटी बनने की। सो आज की वीडियो में हम लोग जो है इन सभी मॉन्स्टर्स और बॉसेस को हराने वाले हैं केनी, सैमुअल और कायरो जैसे एंटिटीज बनकर। वैसे आपका फेवरेट डार्क हीरोज एंटिटी कौन है मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वैसे मेरा तो कायरो है बट एनीवेज। वेल हाँ, कमेंट से याद आया पिछले महीने में जितने भी लोगों ने कमेंट के अंदर लिखा है पैरेलल्स ओपी और मेरे को सपोर्ट दिखाया है उन सभी को मेरी पूरी वीडियो के थ्रू आउट जो है इस साइड पे जो है शाउट आउट मिलता रहेगा। वेल वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना नहीं तो तुमसे हो सकता है तुम्हारा शाउट आउट छूट जाए क्योंकि मैंने जो है इस वीडियो में पूरी 300 लोगों को शाउट आउट दिया है। और अगर तुमने कमेंट नहीं किया तो फिर अभी टेंशन मत लो क्योंकि अभी 7:30 बजे जो वीडियो आएगी उसमें जो है इस वीडियो पे जितने भी लोगों ने कमेंट किया होगा पैरेलल्स ओपी उन सबको उसमें शाउट आउट मिलेगा। तो अगर तुम्हें भी शाउट आउट चाहिए तो लिख सकते हो कमेंट के अंदर पैरेलल्स ओपी। एंड बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए मैंने कहीं मत जाना क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा करीब है 100 के सब्सक्राइबर्स के। एंड 5000 लाइक्स का एम रखने के बाद बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे एसपी पैलेस के अंदर और अब हम लोग यहीं से आके हमारे एंटिटी खरीदने वाले हैं। सो आई थिंक लास्ट वाली वीडियो के बाद बहुत ज्यादा अपडेट हो चुका है और अब हम लोग को जो है अच्छे वाले डार्क हीरोज एंटिटीज मिलने वाले हैं। सो यहाँ इन लोगों ने जो है बस रेट बढ़ाए और एंटिटी की पावर्स नहीं तो बेसिकली हमारा सैम मिल रहा है हमें $5,000 का। यहाँ पे हमारा केनी हमें मिल रहा है केनी कितने का मिल रहा है ओके हाँ $15,000 का। और यहाँ पर इसके बाद मिलेगा हमें ओक्लस $50,000 का। एंड कायरो भाई कायरो भी आ चुका है यहाँ पर ओके। सो यहाँ पर कायरो में मिल रहा है पूरे $1,000,000 का जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है बट ऑब्वियसली इन लोगों ने हम लोग को एक डेमो एंटिटी दिया है बिकॉज इतना महंगा कर रखा है सब कुछ। और अभी मेरा वॉलेट जो है वो बिल्कुल ही खाली हो चुका है तो मेरे को डेमो वाले एंटिटी से काम चलाना पड़ेगा। ये ले भाई बटुआ ले। तो गाइस हमारा जो मिस्टीरियस डेमो एंटिटी है वो मेरे को पता चल चुका है कि हमारा प्रोवॉइस ही है एक्चुअली में। एंड प्रोवॉइस के पास कौन सी पावर्स होगी भाई ओके ओ भाई ओके तो मेरे पास है कुंफू कराटे करने की पावर। ये भाई ओ भाई प्रोवॉइस गॉट सम मूव्स ब्रो। चलो ओके चलो भाई भागते हैं यहाँ से जल्दी से क्योंकि यही विलेज पे मेरे को आना था भाई। यहाँ पर मेरे को आई थिंक किसी ना किसी मॉन्स्टर को डिफीट करना है। ओ भाई लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब एक मिनट मेरे को यहाँ पर कुछ दिख तो रहा है उस चीज के ऊपर कुछ तो था ओके ये देखो ये कुछ तो है। मेरे पास थोड़ी इन्वेंटरी में डर्ट पड़ी हुई एक मिनट में चल के देखता हूँ ये है क्या आखिर चीज। तो ये है हमारा ग्रेट बेल ओके। अब इस बेल को क्या मैं घंटी बजाऊंगी एक मिनट देखते हैं इससे करते क्या है। भैया मैं नहीं सुनता किसी की एंड ये मैंने बेल बजा दी है। अभी ये कौन आ गया ओ भाई ये तो कोई ना कोई तो बॉस है ओके लगता है इससे मेरे को लड़ना पड़ेगा। एंड ओके भाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉस है जो भी है। एंड इसकी पैस की ये ले तेरी ऐसी तैसी रे ले ओके ओके भाई इस पे मेरे कुंफू कराटे का कोई भी असर नहीं हो रहा। और भाई ये बिजली फेंक रहा है मेरे ऊपर आई थिंक भाई ये ओल्ड मैजिशियन जो है मेरे को टेस्ट ले रहे हैं। एंड इसने एक ही स्लैश के अंदर पूरे पिक को मार दिया नाइस बट मैं पिक नहीं हूँ ओके। इसके अटैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है एंड इसने मेरी आधी हेल्थ खा ली है। और ये भाई मेरी खा फ्लाइंग केक एंड ओके ये गया भाई इसकी आधी हेल्थ तो गई मेरे को लग रहा है आराम से इसकी आधी हेल्थ तो गई है। एंड ओके शिट पीछे कह रहा है भाई दूर से नहीं फेस टू फेस लड़ेगा लेकिन इसे नहीं पता मेरे पास भी अच्छे खासे कुंफू कराटे वाली किंग्स हैं। ये ले तेरी पैस की ये ले ओके भाई जड़ दिया भाई मैंने इसे ढंग से खत्म है भाई ये खत्म नाइस फाइनली। ओ भाई ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था मुझे लगता है पक्का ओल्ड मैजिशियन ने इसे भेजा होगा मेरे लिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पैरेलल्स। एक मिनट ये कौन बोला? मैं बोला ओल्ड मैजिशियन। अरे ओल्ड मैजिशियन सर आप लेकिन आप है मेरे को तो दिख ही नहीं रहे आप। रुको मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूँ। ओ वेट ये मैं कहाँ आ गया भाई ये कौन सी जगह है? एक्सक्यूज मी क्या आप ही ओल्ड मैजिशियन है? हाँ मैं ही ओल्ड मैजिशियन हूँ मैंने तुम्हें बुलाया है। पर आखिर ओल्ड मैजिशियन को मेरे से क्या काम हो सकता है यहाँ पर? हाँ मेरे पास एक बहुत ही बड़ा काम है जो कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। देखो तुमने किरमाड़ा का नाम तो सुना होगा। ओ भाई किरमाड़ा मॉन्स्टर जो कि इतना बड़ा जायंट होता है भाई उससे मैं कैसे लड़ूंगा? डरो मत खुद पे भरोसा रखो तुम उसे हरा सकते हो। तुम्हें बस थोड़े और एंटिटीज की पावर चाहिए और इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। देखो मैं तुम्हें रोज रोज जो है कुछ ना कुछ पैसे लाने के तरीके बताऊंगा। तुम्हें कुछ ना कुछ बॉसेस को डिफीट करना पड़ेगा बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे। और हमें जब सबसे ज्यादा पावरफुल एंटिटी मिल जाएगा तब हम जाएंगे किरमाड़ा को हराने समझे? जी मैं तो समझ गया सब कुछ। बढ़िया चलो तुम्हें तुम्हारा पहला टास्क देता हूँ। तो देखो भाई यहाँ से थोड़ा सा दूर जो है मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है शोगन। वो मेरा बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है लेकिन उसे तुम्हारी परीक्षा लेनी है। वो तुम्हारे से एक बार लड़ना चाहता है और अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो गए तो तुम्हें वेल्वो फ्रूट मिलेगा जिसे यूज करके तुम वेल्वो बन सकते हो। ओ भाई वेल्वो द डेविल ओ ये तो काफी ज़रा मस्त है। ओके तो बहुत भूल गया अब जाओ चुपचाप और उसे हरा के आओ। और हाँ सुनो अपने साथ ही डायमंड्स और कटाना भी लिए जाओ। ओ भाई डायमंड्स और कटाना मेरे लिए भाई थैंक यू यार आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। मेरे को भी कटाना चलानी तो नहीं आती लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा इसे ट्राई करने का। ठीक है ओल्ड मैजिशियन जी मैं अभी गया और अभी आया मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा।
तो गाइस अब हम लोग को जो है हमारे ओल्ड मैजिशियन ने हमारे पहले टास्क पे भेजा है जो कि उनके दोस्त शोगन को हराना है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ 100-200 ब्लॉक्स दूर और मेरे को यहाँ पे मिल चुका है हमारा फाइनली हमारा डोजो, और इसी डोजो के अंदर हमें हमारे मास्टर शोगनेट मिलेंगे। ओके भाई चलो तोड़ के अंदर घुसते हैं। और अबे ये कौन है? अरे इटाची भाई बिग फैन। अरे अकात्सुकी चल रही है यहाँ पर तो भाई पूरी पूरी लगता है कमेंट के अंदर आज पूरे पूरे नारुतो फैंस असेंबल हो जाएंगे, बट पहले इन्हें मार देते हैं मैं। ओके ओ भाई समुराई पाजी, और ये लो अबे भाई डॉज कर लेते हैं ये लोग अटैक्स। ओके अंदर चलते हैं, मैं अंदर आ चुका हूँ। ओके ये हमारे शोगनेट चाचा पाई लागू एक मिनट भाई। ओके अब इनसे लड़ना आसान है। एंड कहाँ हैं गायब हो जाते हैं भाई। चाचा इस उम्र में तुम्हें लड़ना शोभा नहीं देता। और ये तो खत्म हो गए भाई, लगता है यार इतना ही इनके अंदर दम था। लेकिन अबे ओ भाई जिंदा भी हो सकते हैं ये तो भाई, तो चमत्कारी चाचा है। एक मिनट ओके यार ओके भाई ये ओके, इन्हें भी डॉज करना आता है। अब हुई ना भाई इसलिए फाइट हमारी चालू। हैया ओके भाई धूल बन जाते हैं ये तो एकदम से। अरे बस कर दो चाचा, कमर अकड़ जाएगी भाई। फिर से धूल बन गया पता नहीं कहाँ से। ओके निकल गया पीछे से, मैंने देख लिया। ओके नहीं इसके अटैक से बचो बस। एंड ओके फिर से भैया, ओ भाई कहाँ कूद के चला गया भाई। देखो अब ये चीटिंग है भाई, मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ, बीच फाइट के कूद के। ओके हाँ यहाँ पे सीढ़ियाँ, मैं नहीं देगा। यूहू मैं आ गया, आ जा तेरी ऐसी की। मैं नहीं ओके कैसे भाई, मैं नूब की तरह लड़ रहा हूँ इसे। ओके ये ओके भाई फिर से डॉज मारा साला। एंड फाइनली मर चुके हैं हमारे शोगनेट चाचा पे इस बार आई थिंक रियल में। ओके देखते हैं भाई चाचा ने यहाँ पे क्या छुपा रखा अपने कासल के अंदर। ओ भाई क्या बना रखा है कमरा। ओके यहाँ पर इनके चेस्ट पूरी खाली डली हुई है तो चेस्ट। ओके लगता है भाई मेरे को मिल चुका है ज्योमेट्रिक जेम, शायद से इसी को खाने का मैं वेल्वो बन सकता हूँ। चलो भाई नीचे चलते हैं जल्दी से, हमारा काम हो चुका है यहाँ पर। मैं आ गया हूँ नीचे, और ये देखो भाई इसने यहाँ पर फैंटम्स को जोड़ रखा है। हैया ओके चलो भाई इस ज्योमेट्रिक जेम को मैं एक बार यूज करता हूँ और देखते हैं हम कौन सा एंटिटी बन जाते हैं। तो गाइस अब हम बन चुके हैं हमारे वेल्वो, और हमारे वेल्वो के पास में है फायर विंग्स जो कि अभी मैं कभी भी समन कर सकता हूँ बिल्कुल ऐसे, और इनका यूज करके मैं जो है उड़ भी सकता हूँ बिल्कुल ऐसे। ओके नाइस, बट अभी मेरे को जो है जो कोऑर्डिनेट्स मिले वहां पे जाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है हमें किरमाड़ा की लोकेशन अभी तक मिल चुकी हो, और अब बस मेरे को उसे मारना बचाओ। सो एनीवे चल के देखते हैं वहां पर क्या मिलेगा हमें। ऑलराइट गाइस तो मैं वेल्वो बन के यहाँ पर आ चुका हूँ दूर तक उड़ते, और भाई ये मेरे ऑर्गन्स को क्या रखा है, मैं अपने आर पार कैसे देख पा रहा हूँ। और भाई मेरे को लग रहा है यहाँ पे इस घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट के हिसाब से यही वो जगह जहाँ पे मेरे को आना था, लेकिन भाई किरमाड़ा का साइज जो है बहुत ही बड़ा है। सही में भाई वो एक पहाड़ जितना बड़ा है, एंड ये इतने से घर में तो फिट नहीं आने वाला है मुझे लगता है। उसका यहाँ पर एक और कोई चमचा, एंड हम यहाँ पे आके देखते हैं। एंड ओके ये तो भाई कोई ऐसी पंटर सा लग रहा है हमें, ये तो कोई ज़ॉम्बी है भाई। हैया ओके चलो भाई इसे तो मैंने बड़े आराम से मार दिया, लेकिन हमें यहाँ पर किसी और की तलाश थी जो कि यहाँ पर मेरे को नहीं मिल रहा है। एक मिनट देखता हूँ मैं आसपास थोड़ा। ओके तो यहाँ पर तो बस पांडा भरे हुए हैं, और मेरे को यहाँ पर और कोई भी नहीं दिख रहा है। हैया ये देखो भाई मेरा एक मिनट, अभी ये क्या है? ओ भाई ये तो कोई स्पेशल बंदा है जिसके पास में कुछ ना कुछ तो अजीब सी पावर्स हैं। ओके ये ले ये, और भाई मेरा रीजनरेशन क्या हो गया? ओके भाई ये तो मेरी बंदा बहुत ज्यादा हेल्थ खा रहा है। एक मिनट देखो भाई वेल्वो की पावर जो है रेड है, और इस बंदे के पास भी रेड पावर्स हैं, तो हो सकता है इसने मेरी पावर चुरा ली हैं, तभी भाई मैं अपने स्पेशल वाले अटैक्स नहीं कर पा रहा हूँ। ओके ये ले ओके भाई यहाँ से मेरे को भागना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है मेरे को मार दे भाई। बड़े शांत स्वभाव का बंदा लग रहा है मेरे को। चलो यार जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें। एक बार मैं ओल्ड मैजिशियन के पास हो गया आता हूँ, क्या पता भाई उनके पास इस चीज़ का सोल्यूशन हो, क्योंकि मेरे पास अब उड़ने की पावर नहीं बची है। ओल्ड मैजिशियन जी इधर सुनिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ बेटे? मैं वेल्वो बना था और किसी ने मेरे वेल्वो वाली पावर जो है लूट ली है। उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहनते और काफी ज्यादा अजीब सी पावर्स हैं उसके पास। वो गारो है, मेरा एक स्टूडेंट था लेकिन वो भाग गया था मेरे इस पूरे कासल से। वो किसी की भी पावर चुरा सकता है और खुद उन्हें यूज कर सकता है। हैं पर ऐसे में कोई भी एक एंटिटी बनकर उसे कैसे हरा पाऊंगा? अरे उसकी एक कमजोरी है रे बाबा, और वो ये है कि वो एक वक्त पे एक एंटिटी की पावर यूज कर सकता है। अब देखो अब उसने तुम्हारी वैल्यू की पावर ली है ना, तो वो वैल्यू की पावर यूज कर सकता है तुम्हारे सामने। तो मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे उनको यूज करके कोई एंटिटी खरीदो और तब जाके उसे लड़के आओ। ओ अच्छा तो ऐसी बात है, वैसे सही है, लगता है हमें अगला एंटिटी बनना ही पड़ेगा। ऑलराइट तो हमारे ओल्ड मैजिशियन की कृपा से हमें मिल चुके $5,000, एंड इन हजार सारे के सारे डॉलर्स को ले लेते हैं एंड इसके ऊपर फेंक देते हैं, और अब हम लोग बन सकते हैं हमारे सैमुअल। तो अब मैं बन गया था सैमुअल जो कि डार्क हीरोज के एक जाने माने मैजिशियन है, और अब टाइम था गारो को हराने का।
और इसलिए हम सैमुअल बनके अपनी सारी मैजिक पावर्स को एक सॉर्ड में डाल देते हैं और अब टाइम था ये देखने का कि हम गारो से लड़ पाते हैं या फिर नहीं। और गाइस अब हम लोग बनके आ चुके हैं हमारे सैमुअल और हमारे सैमुअल के पास में जो है काफी सारी मैजिकल पावर्स हैं और मैंने इन सारी मैजिकल पावर्स को जो है इस सॉर्ड के अंदर डाल दिया है और इसी सॉर्ड का यूज करके हम लोग जो है गारो का खात्मा करने वाले हैं। ओके तो वहीं पे खड़ा है जहां पे मैंने इसे लास्ट छोड़ा था। ओके आ जा बेटे आ जा। ओके तो भाई इसके पास अभी भी वैलो की पावर लग रही है मेरे पास और ओ भाई इसने मेरे को स्टन कर दिया था एक मिनट के लिए। ओके भाई दूर भागो। देख रहे हो भाई ये सारे अटैक जो है हमारा वैलो कर सकता है लेकिन इसने हमारी पावर छीन लिए हैं एंड अब टाइम है भाई आसमान से बिजली गिराने का क्योंकि अब जो होने वाला है भाई तबाही होने वाली है। ओके भूल जाओ मैंने कुछ कहा बट कोई बात नहीं भाई मेरे पास पूरी रीजनरेशन पावर्स हैं एंड ये मेरे को गिराना बंद कर दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओके अब हमारा सैमुअल जो है थोड़ा दिमाग से खेलने वाला है। ये ले इधर आओ इधर एक अटैक करो और पीछे हो जाओ। ओके भाई ऐसे ही खेलना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। ये ले ओके नहीं अटैक होने वाला। हाँ बच गया मैं भाई जब ये बॉल बन जाता है ना तब दिक्कत हो जाती है। रुको हाँ अब एक बार ये अपना ओपनिंग दे ऐसे एंड अब मारो फिर से। यस भाई ऐसे ही तो खेलना है। ओके अब बस इस पर नॉन स्टॉप स्ट्राइक करते रहेंगे जब तक ये मर नहीं जाता और इसने अब जो है अपने और नए नए अटैक्स बोल लिए हैं। कोई ना ओके आई थिंक ये मर चुका है फाइनली। यस तो हमने हमारे वेल्वो की पावर्स का बदला ले लिया है एंड अब देखते हैं भाई इसके घर के अंदर और क्या क्या हमें मिल सकता है। ओ भाई यहाँ पे तो स्पॉनर लगा हुआ है इसे तोड़ना पड़ेगा भाई। रुको नाइस मारो सबके सब नाइस। ओ यहाँ पे मेरे को कोई और भी मिला। ओके हेलो भाई साहब आपको क्या हो रहा है एक मिनट। व्हाट द हेल एक क्या अभी ये तो वेयरवुल्फ बन गया। ओ एक मिनट भाई लगता है फिर से अपने बैटल मोड में आना पड़ेगा मेरे को। ओके भाई ये कुछ अपना सोनिक बूम अटैक कर रहा है आई थिंक। ओके ये ले और भाई ये फिर से आ गया। ओके ये बंदा फिर से जिंदा हो गया मेरे को लगता है इसी ने वेयरवुल्फ को बुलाया होगा। चलो भाई इस वेयरवुल्फ को तो मैं खात्मा कर देता हूँ इसी के साथ ही साथ एंड ओ शिट। ओके वेयरवुल्फ तो गया। अरे ये देखो लाला मैं ज्यूस बन चुका हूँ। ये ले बिजली फेंक के मारूंगा इसके ऊपर। अरे दूर भाग मेरे से भाई तेरे को दिख नहीं रहा मेरे हाथ में बिजली है। मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़ाई जल्दी से खत्म होने वाली है। ओके फिर से बॉल बन चुका है एंड ओके ये ले ये आई थिंक तेरा फाइनल अटैक। ओके नाइस खत्म भाई इसका दोबारा से मैंने खेल खत्म कर दिया। अब दोबारा से ना आ जाए भाई बहुत ज्यादा अनोइंग बॉस फाइट है ये। तो हम लोग जो है जल्दी से घर पर टेलीपोर्ट होते हैं एंड तथा ओल्ड मैजिशियन ये देखी मेरे को क्या मिला। अबे तेरे पास ओल्ड कंपास कैसे आया। ये मेरे को गारो ने ही दिया है। ओ तो ये गारो के पास था मेरे को लगा खो गया है। हो सकता है ये हमें किरमाड़ा की लोकेशन के बारे में बताए। एक काम करो बाहर जाओ और इसे यूज करो लेकिन उससे पहले एक नया एंटिटी बन लो क्योंकि आगे की बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बात तो सही है एक मिनट में बाहर जाता हूँ कोई एंटिटी बन के आता हूँ। सो यार अब हमारे पास आ चुके हैं पूरे $15,000 और इनका यूज करके हम लोग बन सकते हैं हमारा कैनी फाइनली एंड ये लो। तो अब हम लोग को जो है कैनी बन के जाना है एक आइस बैम के अंदर क्योंकि हम लोग को हराना पड़ेगा सी घोस्ट को जिसके पास से हमें मिलेगी चाबी जिसका यूज करके हमें अगले किरमाड़ा के क्लू मिलेगा। लेकिन सही में ये सी घोस्ट वाली फाइट जो है बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। सो गाइस अब अपन लोग बन चुके हैं कैनी और अब हमारा कैनी बनने का एक ही मिशन है उन कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचने का और देखने का आखिर वहां पे क्या है। तो बेसिकली मेरे को सी घोस्ट का जो है एक हॉर्न ढूंढ के लाना है और अभी मेरे पास ये जो है रिप्टाइड वाला ट्राइडेंट भी है एंड फॉल डैमेज मेरे को मिलता नहीं है। सो एक काम करता हूँ मैं जल्दी से इसका यूज करता हूँ और उन कोऑर्डिनेट्स पे पहुंचता हूँ। वैसे ऐसे भाई यूज करने से बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एंड पानी के बिना तो ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो एक आइस बायोम के अंदर मिलेगा मेरे को हमारा सी घोस्ट और उसे मेरे को कैसे ना कैसे हरानी पड़ेगा बिकॉज और कुछ रास्ता भी तो नहीं है। उसे समन करने का भी एक तरीका है जो कि मैं आगे बताऊंगा। और ये हम पहुंच चुके हैं और ये जो सामने तुम लोग को दिख रहा है ना एक मिनट थोड़ा और अच्छे जाते हैं और वो देखो भाई ये जो आउटपोस्ट है ना इतना बड़ा सा पिलेजर्स का इसी को हम लोग को डिस्ट्रॉय करना है और मैं जो ऐसे बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ मतलब बिना किसी एफर्ट के। ओके बस मेरे को अपना बस सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिकल अटैक यूज करना है ऐसे एंड बूम। ओके तो थोड़ा सा गेम क्रैश हुआ बट तुम लोग देखते हो मैंने एक ही अटैक के अंदर ये जो आसमान में उसका था ना वो पूरा खत्म कर दिया मतलब गायब डिसअपियर। ओके एक और बार करके देखते हैं। ओके तो ये फिर से गायब। अब मैं अपने आप से सोच रहा हूँ कि मतलब क्या मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मतलब गेम जो है मेरी पावर्स को झेल नहीं पा रहा है। वेल हाँ मैं इन लोग के लिए नहीं आया था यहाँ पर मैं एक्चुअली मैं अपने मकसद के लिए आया था। ओके चलो यहाँ पर चल के देखते हैं। हाँ ये इसके लिए मैं आया था ये एक हॉर्न सी हॉर्न कहते हैं इसे और इसी का यूज करके मैं जो है सी घोस्ट के भूत को बुलाऊंगा यहाँ पर। भैया तो हम यहाँ पर कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं मेरे को लग रहा है ये जगह बिल्कुल सही है। ये देखो भाई यहाँ पे कुछ स्पाइरल सा भी बन रखा है वैसे इतना कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं हम लोग को बस यहाँ पर एक बार इसे यूज करना है एंड आई थिंक हमारा सी घोस्ट आ सकता है यहाँ पर कभी भी एंड ये आगे मेरे को लगता है। ओके वैसे ये इतना स्ट्रांग नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ बिकॉज मैं इसे एक ही अटैक के अंदर यहाँ से मार सकता हूँ और ऑलराइट लगता है मर गया ये तो एक ही अटैक के अंदर एक बॉस बार। ओ अभी ये तो अभी भी जिंदा है। ओके सो अब मैं अपना स्पेशल अटैक्स को यूज करूंगा यहाँ पर इसके ऊपर एंड ये
इस पे मेरे को कंटिन्यूसली अटैक्स करते रहना पड़ेगा क्योंकि ये रीजनरेट बहुत जल्दी करता है। ऑलराइट, व्हाट इज दिस अटैक? ओके, मेरे को खुद नहीं पता मैंने क्या किया भाई। कैनी की पावर्स यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये मेरे साथ वॉलीबॉल खेल रहा है। ऑलराइट, हाउ वाज दैट? एंड ओके, ये कहा मेरा थंडर अटैक एंड अरे रीजनरेट कर लिया भाई। ओके, ये कैसा है एंगर थंडर एंड यो भाई, मैं इसकी आधी हेल्थ खा जाता हूँ फिर ये रीजनरेट कर लेता, वाह चीटिंग। हाउ इज दिस? ओके भाई, मैंने जमीन के अंदर से पेड़ निकाल दिए हैं एंड ओह फाइनली मर गया, नाइस। हाँ, इसी लूट की तो मेरे को तलाश थी। ओके, ये चाबी और यहाँ पर है थोड़े बहुत मैप वगैरह। सो गाइस, मेरे को चाहिए थी कि फ्रोजन की और ओके भाई तुम लोग जा सकते हो, तुम्हारा काम हो चुका है, थैंक यू। सो बेसिकली हम लोग जाएंगे इस आइस में, इस शेल्टर में, और वहाँ पे हम लोग को एक चेस्ट ढूंढनी है जो कि ये फ्रोजन की से खुल सकती है, और इसी को खोलते हैं हम लोग को मिलेंगे हमारे अगले कोऑर्डिनेट्स। और वैसे वो जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड भाई यहाँ पे एक ओशन मॉन्यूमेंट है, वही मैं कहूँ मेरे को माइनिंग फिटिक क्यों मिल रखा है? तो हमारे मैप के अकॉर्डिंग हम लोग को यही जगह आना है एंड मेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो शक हो रहा है, क्योंकि अगर तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और वो देखो भाई वो क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मॉन्स्टर वगैरह है और मेरे को लगता है यही वो सीक्रेट जगह है जहाँ पे हम लोग को आना था। एनीवेज, तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा दूर निकलता हूँ क्योंकि मेरे को इस जगह को उड़ाना ऑफ कोर्स। ओके, तो मैं यहाँ पे चढ़ चुका हूँ एंड टाइम है हमारा स्पेशल अटैक का और बूम। ओके, मैंने बेडरॉक तक खो दिया भाई, इतना भी नहीं करना था। बट एनीवेज गाइस, तुम लोग देख सकते हो यह है इनकी अंडरग्राउंड सिटी। ऑलराइट, तो यहाँ पर और भी काफी सारे अजीब अजीब मॉन्स्टर्स हैं जिनको मैं आराम से मार सकता हूँ बिल्कुल इन अटैक्स का यूज करके। मर जा रहे? ओके, ये ले। ओके, मर गया, फाइनली मर गया। तो यहाँ पे मेरे को थोड़े बहुत मॉब्स वगैरह को भी मारना पड़ेगा साथ ही साथ। ओ आ गए भाई पिलेजर्स, ये ले, एक ही बार में खत्म। भाई कैसा घर है इनका, हर जगह पानी पानी हो रखा है। एंड ओके, मिल गया मेरे को। सो इसी जगह पे मेरे को आना था, यहाँ पे अगर मैं इस वाली स्पेशल चेस्ट में अगर मैं ये वाली फ्रोजन की डालूंगा तो ये देखो भाई। एंड हम लोग को मिल चुके हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। अब चलो भाई जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मेरी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है। पहले हमारे कैनी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन अब मैं जाता हूँ हमारे ओल्ड मैजिशियन के पास उनसे एक नया एंटिटी मांगने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है आगे और भी खतरनाक बॉसेस आने वाले हैं जिनसे हमारा कैनी नहीं लड़ सकता। ओल्ड मैजिशियन जी, मैं फिर से आ गया। अभी तेरे को बार बार यहाँ पे आने किसने कहा रे? चल छोड़, मैं मजाक कर रहा था, आप बताओ क्या काम है? ओल्ड मैजिशियन, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे को कोई नया एंटिटी बनना पड़ेगा। अब पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एक काम करता हूँ, तुम्हारे अंदर डार्क एनर्जी डाल देता हूँ। डार्क एनर्जी? उससे क्या होगा? कुछ नहीं, बस अपने ऊपर से आपा मत खोना। ओके, मैं रेडी हूँ। ओप, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सबर रखो बेटे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओ वेट, ये क्या हो रहा है? मैं जेनेसिस बन रहा हूँ। ओके, मैं काम कर गया। हाँ, काम तो कर गया और मैं जेनेसिस बन चुका हूँ, नाइस, थैंक यू ओल्ड मैजिशियन। अब मैं जाता हूँ अपना काम करने और ये मैं चला। सो गाइस, अब हम लोग बन चुके हैं जेनेसिस और हम लोग जो है बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं हमारे उस लोकेशन के। एंड यहाँ पर मेरे को अजीब से कौए मरे हुए दिख रहे हैं एंड ओ अरे आते अटैक करने लग गए। वेल, परफेक्ट मौका हमारे अटैक्स को यूज करने का। एंड ये लो और खत्म। तो यहाँ पर और थोड़े कौए हैं एंड आई थिंक ये जगह वो गार्ड कर रहे हैं, तो ओके ये लो और ओके खत्म भाई, खत्म, एक ही बार में खत्म सबके सब। एंड यहाँ पे मेरे को पास में बड़ा सा मंदिर दिख रहा है। ओके, सो ये एक हिडन टेम्पल है यहाँ का एंड आई थिंक हमें यहाँ पे किरमाड़ा का और थोड़ा सा क्लू मिलेगा, बट देखते हैं कैसी जगह है। बड़ी पुरानी सी जगह लग रही है मेरे को, थोड़ा सा जगह को तोड़ के देखते हैं। ओके, थोड़ा अपनी पावर्स को यूज करेंगे एंड ये देखो यहाँ पर भाई एक हिडन पोर्टल है, पोर्टल बोल रहा हूँ, सॉरी भाई, एक हिडन टनल है यहाँ पर एंड ये बहुत ही ज़्यादा गहरी टनल है भाई, लिटरली अभी लोड नहीं हो रही थी मेरी रेंडर डिस्टेंस। एंड यहाँ के भाई किनारों में कुछ ना कुछ तो लिखा है। ऑलराइट, एंड ये क्या है? ऑलराइट गाइस, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रहेगा। एंड ये क्या है गाइस? मुझे लगता है मेरे को यहाँ का खजाना मिल चुका है, एक मिनट में इसके पास जाके देखता हूँ। अबे इसने मेरे को पकड़ लिया, अरे नहीं, ओ छोड़ दे। ओके भाई, मैं छूट गया जैसे तैसे, पर भाई इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये देखने में एक स्टैचू लग रहा है, लेकिन इसने मेरे को पकड़ा कैसे और इसके हाथ में डायमंड क्यों है? मुझे लगता है यहाँ पर तो कुछ खास नहीं है, मेरे को और थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन एक मिनट, ये आवाज़ कैसी आ रही है? हेलो एंड ओ भाई, मैं अभी यहाँ से गया एंड यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुके हैं एकदम से, पर कोई ना भाई, मैं भी इनसे लड़ने के लिए आया हूँ यहाँ पर, ये खाओ। ऑलराइट, तो ये लोग आई थिंक मेरे से लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मैं इनसे लड़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ओ भाई, ओके थोड़ा दूर भागो यहाँ से, ये तुम्हारी ऐसी तैसी, एक एक हिट करके देखते हैं शायद से मेरे से लड़ने में लग जाए। एंड ओके सारे अटैक कर दूँ मैं इनके ऊपर एंड इनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ खा लिया मैंने, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। एंड खत्म, नाइस। वेल, मेरे को लग रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस जगह में कुछ ना कुछ तो मेरे को मिलना चाहिए था और यहाँ पे दोनों के दोनों बीच जो है इस जगह को गार्ड कर रहे थे, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दबा हुआ है। तो एक बार मैं अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक का यूज़ करता हूँ और इस पूरी जगह को एक बार स्कैन करके देखता हूँ। तथात्सु, ये ओके
सो अब मैंने पूरी जगह को स्कैन करना चालू कर दिया एंड देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ मिलता है या फिर नहीं। ओके स्कैन करो भाई, जल्दी स्कैन करो। ऑल राइट, मेरे को लग रहा है यहाँ की दीवारों में कुछ ना कुछ तो दफन है। ओके मैं समझ गया। ऑल राइट, तो यहाँ पर टाइम है थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन लाने का। ओके सो ये रहा भाई, मैं अपना डिस्ट्रक्शन यहाँ पे चालू कर चुका हूँ और मैं अपने नॉर्मल हाथों से पूरे पूरे इस जगह को तोड़ के रख दूंगा। ऑल राइट, तो मेरे को यहाँ पे सेंस हुआ था कि इन्हीं की दीवारों में कुछ ना कुछ तो है। एंड ओके यहाँ पे एक पेपर पड़ा हुआ है और इस पेपर को पकड़ते ही मेरे को कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। नाइस। ओके तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। अब यहाँ से जल्दी से हम निकलते हैं क्योंकि हम लोग को जो है पास ही के विलेज को बचाना है हमारे जायंट स्केलेटन से। ऑल राइट जल्दी चलते हैं यहाँ से। मुझे लगता है यही वो विलेज है जहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एंड भाई ये तो विलेज बिल्कुल पीसफुल है। अरे विलेजर्स कहाँ भाई, कौन सा खतरा, मेरे को फालतू में बुला लिया क्या? एक मिनट यहाँ पर देखते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। सीरियसली ये है खतरा? अरे इसने मैं यू मार दूंगा। रुको रुको भाई, एक स्लैश में चला गया। तो अच्छा तो यहाँ पे और थोड़े गॉब्लिंस वगैरह हैं तो इन्हें मैं मार देता हूँ। बट मेरे को नहीं लगता यहाँ पर इतना ज्यादा कुछ बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अबे इसकी ये भी छोटा गॉब्लिन लग रहा है मेरे को। एक मिनट इसे मार के देखते हैं। ये ले तेरी ऐसी तैसी ले, ये तो खत्म हो गया। ये कुछ तो कर रहा है। एक मिनट व्हाट, ओबे ओके अब मैं समझा क्या खतरा था यहाँ पर। यहाँ पर इतना बड़ा सुजानो समान हो चुका है सासुके वाला, पता नहीं भाई क्या है लेकिन मेरे को तो वो सासुके का सुजानो टाइप लग रहा है। एंड ये ओके ओ भाई अब समझो यहाँ पर असली खतरा क्या था। तो आई थिंक इससे मेरे को लड़ना पड़ेगा। है या और ओ भाई यहाँ पर तो दो समान ओके हैं। अबे भैंस की दो समान कर रहा वो, तो मेरे से एक से नहीं लड़ा जा रहा। ऑल राइट ओके भाई ये तो पूरी जमीन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। है या ओके भाई ओके तो मैं इनके पास भी नहीं आ सकता। एंड भाई यहाँ पे दो समान रखे हैं। है या ओके चलो भाई मेरा वॉट, चलो भाई एक को तो मैंने डाउन कर दिया। एंड अभी ये तो वापस निकल रहा है, इन्हें मार कैसे सकता हूँ भाई, इन पे तो कुछ अटैक ही नहीं हो रहा, कुछ डैमेज ही नहीं हो रहा। रुको आई थिंक मेरे को कुछ करना पड़ेगा। ये लो भाई मेरी स्वॉर्ड वाली शील्ड है, इससे मैं जो है स्वॉर्ड समन कर सकता हूँ। तो भाई ये लोग जो है बारी वारी जा रहे हैं भाई, रैका मोल चल रहा है यहाँ पर। ओके बारी बारी इन लोग को मारता हूँ मैं। एक मिनट मरो मरो भैंस की। ओके इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा। एंड यहाँ पर वो जो है बहुत ज़्यादा जोर जोर से समन हो रहे हैं। अरे मैं समझ गया इन लोग को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे को एक्चुअली में छोटे से पिट्टू को मारना पड़ेगा। कहाँ गया, तो ये मेरे को उसके पास नहीं जाने दे रहे। एंड ये रहा मेरे को मिल गया। ये रहा मार दिया भाई एक स्लैश के अंदर। बट भाई ये लोग अभी भी नहीं गए, क्या बात है ये। एंड चलो अच्छा एक अंदर गया आई थिंक। तो भाई ये भी अब जो है बिल्कुल फ्रीज हो चुका है, बिल्कुल कुछ कर नहीं रहा है। ओके भाई ये फ्रीज हो चुका है, अभी कुछ भी नहीं कर रहा है। आई थिंक भाई इसी के साथ मैंने जो है इस विलेज को बचा लिया फाइनली खतरे से। एंड गाइस ऐसे हम लोगों ने रिसीव कर लिए पूरे पूरे $50,000। इजी मनी भाई, इजी मनी। क्या अभी भी खतरा बच रखा है? ओके भाई लगता है मैंने अच्छे से यहाँ पे इनका खतरा नहीं हटाया है। ये कह रहे हैं यहाँ पर एक और जायंट वगैरह भी आ रखा है विलेज के अंदर। अरे लो भाई असली मुसीबत तो ये है। ये लो भाई मेरा जादू टोन अटैक। एंड तुम लोग को कुछ हुआ नहीं? ओके हाँ हुआ भाई, नॉकबैक मिला इन लोग को बस। ओके ये रहा मेरा स्वॉर्ड शील्ड। हैया ओके एक को मारो जल्दी से मारो इसे। एंड मेरा असर खत्म हो गया। अरे नहीं विलेज मत डिस्ट्रॉय करो भाई, ये विलेजर्स पैसा काट लेंगे, पैसा कटेगा तेरी। ओके ये वाली स्वॉर्ड तो मैंने यूज ही नहीं की। ये ले भाई मेरा स्ट्रॉन्ग स्लैश। एंड भाई कुछ भी नहीं हो रहा इन लोग को। ये ओके सो एक को मैंने मार दिया फाइनली। एंड पीछे हो जाते हैं थोड़ा सा। ओके ये भी गया फाइनली। एंड हम लोग जीत गए ये। और भाई लोग मेरे को लगता है मैंने यहाँ पे जो अपना काम पूरा कंप्लीट कर दिया है। एंड अब हम लोग जो है यहाँ से चल सकते हैं। ओके सो अब हम लोग को खरीदा हमारा ओकलस हमारे पूरे $50,000 के साथ में। और ये जो है मैंने पूरे इस बार गड्डी बना के लाया हूँ। एंड ये ले तो बस यहाँ पे हम लोग बन चुके हैं हमारे ओकलस। और हम लोग को हराना पड़ेगा भाई हमारे सॉर्सरी किंग से, और उसके लिए मेरे को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और अभी के लिए मेरे पास बस स्वॉर्ड स्किल्स हैं, लेकिन मेरे को इससे भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए और वो है हमारी एक्स ऑफ 1000 मेटल्स। तो उसके लिए मेरे को जो है फेरस रॉगनोट को हराना पड़ेगा जो कि एक और बॉस है। एंड देखते हैं भाई हम उसे हरा पाते हैं या फिर नहीं। तो हम लोग के सूत्रों के अकॉर्डिंग हमें यहीं पर आना था। और ये लो भाई ये रहा हमारा फेरस रॉगनोट, और मेरे हाथ ही जाग चुका है। हेलो बड़ी हेलो। एक मिनट ओके बच के रहना पड़ेगा इससे थोड़ा। ओके पीछे नाइस। एक बार झुक जाए ना बस फिर काम हो जाएगा पूरा। बस भाई बस जल्दी टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ बस ऐसे झुक। एंड ये ले भाई तेरे एक बार में खत्म। छी
एंड यहाँ पर हमें मिल चुका है हमारा एक्स ऑफ थाउजेंड मेटल्स। और गाइज हमारे ये एक्स ऑफ थाउजेंड मेटल्स लेने का मकसद असल में कुछ और ही था। तो बेसिकली ये वाली स्वॉर्ड जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये और स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर मैं इसे जो है दोनों हाथों में होल्ड करके यूज करूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो बेसिकली इसे मैं दो दो ग्रेट स्वॉर्ड्स में डिवाइड कर सकता हूँ बिल्कुल ऐसे। एंड गाइज अब हमारी जो है एक्स ऑफ थाउजेंड मेटल बन चुकी है दो दो ग्रेट स्वॉर्ड, और मुझसे मत पूछना है कैसे हुआ। और ये देखो भाई अब हम लोग के पास हो चुके दो दो ग्रेट स्वॉर्ड, मेरे को मत पूछना है कैसे हुआ, मेरे पास सही में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो भाई लोग मेरे को लगता है लड़ाई की घड़ी आ चुकी है। एंड कहाँ है भाई? ओके ये रहा हमारा सॉर्सरी किंग, और इसने आप बहुत बड़ा फैंटम समन कर रखा है। ओके पहले से मारो, इसे भी पता है कि भाई हम लोग जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ओके भाई लेविटेट करके मार रहा है मेरी हेल्थ। चलो आज जादूगर तेरे को मैं अपनी स्पीड दिखाता हूँ, कितने भी अटैक कर ले डॉज कर लूंगा सबको मैं अकेले ऐसे करके। ये ले स्की बेस्टी। ओके नाइस। ओ नो। ओके इसके स्केलेटन्स मारो भाई, ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके इसके अटैक्स पहले डॉज करो, ये ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। इसके फैंटम्स को मारो पहले, फिर इसके स्केलेटन्स को मारो। ओके ओ अबे इतना बुरा हाल है ये मेरे को मार रहा है ना, बताओ भाई ओकलस केवल ये लड़ सकता है। ओके अब वक्त है भाई सिर्फ फर्स्ट पर्सन में मारने का। ये ले ओके नहीं। अबे ये डॉज कर रहा है यार, ये गलत बात है, अच्छी बात तोड़ना है यार ये डॉज करना, मैं इतनी मुश्किल से अटैक करूँ। ओके ये ले मेरा स्पेशल, अब मर गया भाई वो फाइनली। चलो भाई ये तो हमने हमारा क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया, और मेरे को मिल चुके हैं फाइनली कोऑर्डिनेट्स हमारे अगली जगह के। लेकिन उससे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा गॉब्लिन किंग को मारने, जिसका किंगडम मेरे को लगता है यहीं कहीं है आसपास। गाइस ये देख रहे हो तुम लोग, ये भाई इन गॉब्लिन्स का पूरा अड्डा, और इसी जगह को मैं जो पूरा पूरा यहाँ पे घुस के इन सब की बुद्धि नापने वाला हूँ। चलो भाई जल्दी से हमारा खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग को जल्दी से यहाँ पे कूदना पड़ेगा। और इस बार मैं जो है अपने डुअल ग्रेट स्वॉर्ड यूज़ नहीं करूँगा, मैं इस बार ये जो है थोड़ी सी अलग टेक्निक का यूज़ करने वाला हूँ। इस बार मैं फुल तैयारी से आया हूँ भाई, ये देखो इनका पूरा पूरा बेस उखाड़ डालूंगा। एंड ये क्या चीज़ है? ओह नो। ओके चलो ये जो भी चीज़ है मेरे से नहीं बच पाएगी। ये ले इसकी वैसी तैसी। और भाई देख रहे हो भाई कितना ज़्यादा तेज़ हो चुका हूँ मैं। वो हो ओके ओके भाई ये है गॉब्लिन किंग की गद्दी। एंड ये है गॉब्लिन किंग, हाँ ये जो टिंगू भक्के गया ना यही है गॉब्लिन किंग। ओके गाइस ये रब मिल गया, इसकी वैस की थी। ये ले पक खत्म भाई। एंड गाइस अब हम लोग जो है ऑफिशियली उसका क्राउन पहनने के बाद बन चुके हैं किंग ओकलस भाई, बढ़िया लग रहा है ना। यो भाई अब हम लोग के जो है खाते में आ चुके हैं $1 million पूरे के पूरे, और इतने भाई हम कौन सा एंटिटी हम नहीं खरीद सकते हैं, तो एक बार लास्ट वाला एंटिटी मैं खरीद के देखता हूँ। सो फाइनली उस विलेज को बचाने के लिए हमारे पास आ चुके थे पूरे $1 million, एंड इनका यूज करके ओके भाई इन सबको बारी बारी देने में भी टाइम लगेगा। ये ले भाई जितना पैसा चाहिए सब कुछ ले ले। तो ये लो मैंने कायरो को सारे के सारे पैसे दे दिए, एंड अब हम लोग बन सकते हैं हमारे फाइनली कायरो। तो गाइस अब बारी हमारी फाइनल बैटल की, जो कि होगी यहाँ पर। जी हाँ गाइस ये तुम लोग देख रहे हो ना भाई, इतना बड़ा सा भाई ये बना रखा है भाई, किसी बड़े से क्रीचर का भाई मेरे को लगता है हड्डियों का ढांचा है। एंड इसी के ऊपर हम लोग को चल के जाना पड़ेगा, और यहीं पे हमें मिलेगा हमारे किरमाड़ा का हाथ। ओके वो रहा भाई सामने, तो ये रहा भाई हमारे किरमाड़ा का हाथ, और इसमें मेरे को एक बार कुछ ना कुछ अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी वो आएगा। ये देखा अपना स्पेशल पोशन, और ओके कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। एंड आ गया भाई ये तो आ गया। ओके मैं गिरते गिरते बचाऊँ यहाँ पर। एंड ओके भाई आ जा बेटे लड़ ले, ये ले तेरी बैस की ले, मैं कायरो बन के आया हूँ तेरे से लड़ने। ओके भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई ये, जब जब हिल रहा है ना पूरी धरती हिल रही है भाई कसम से। ये देखो ओके ओ भाई वॉट इज दिस। ओके भाई इससे थोड़ा टैक्टिकली खेलना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे। ये देखो जैसे ही पीछे मुड़ेगा वैसे ही मारो साले इसके बैस की, पूरे जला के रख दो इसे अपनी कटारों से। एंड ओके बचो। ओ भाई ये अटैक मेरे को लग जाता ना भाई कायरो की ऐसी तैसी हो जाती। एंड अबे नहीं ओ अपनी आँख की उल्टी कर रहा है भाई ये मेरे ऊपर छी। कुछ नहीं इतने से नहीं डरना चाहिए हम लोग को। एंड ओके ये नीचे गिर चुका थोड़ा, अब मारो इसे साला मारो जल्दी इससे पहले दोबारा उठ जाए। ओके नहीं दूर। ओके भाई इसने फिर से अपने उठा लिए थे जमीन। एंड ओके मारने की कोशिश कर रहा है भाई, बिल्कुल डेस्परेटली मार रहा है मेरे को। ओके ये मेरा बो खा, ये देख मेरे पास बढ़िया वाली स्पेशल बोज वाली अटैक है। ओके दूर थोड़ा इससे दूर रहो। एंड ये ले भाई फिर से मेरा बो खा। ओके तुम लोगों को आइडिया नहीं लेकिन मैं इसकी अभी तक केवल 10% हेल्थ खा पाया हूँ इतने सारे अटैक्स करने के बावजूद। ये रे भाई मेरा स्पेशल दिवाली अटैक। ओके और आई थिंक कुछ भी नहीं हुआ इसे। ऑलराइट फिर से आ जाएगी मेरे अंदर थंडर की पावर। एंड अब इसका होगा खात्मा, और इसने फिर से आग वाली उल्टी कर रहा भाई भागो। मैं 4-5 चीज़ों के कॉम्बो मार रहा हूँ इसे, और इसे फिर भी कुछ नहीं हो रहा भाई। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ओ भाई इसने अपनी पूरी हेल्थ दोबारा से रिजनरेट कर ली है। शिट
ओके तो हम लोग का फाइट बेसिकली यही है, हम लोग को जो है इसे बस रोकना भाई कैसे ना कैसे। ओके नहीं नहीं इसने मेरे को हाथ में पकड़ लिया, नहीं भाई ये नहीं नहीं छोड़ दे छोड़ दे। ओके इसने लिटरली छोड़ दिया, पर ट्राई करने में क्या जा रहा है। ओके भाई मैंने अपनी दोनों दोनों कटानास दोबारा से निकाल लिए हैं एंड ओके शेट शेट शेट। ओ भाई इसे गुस्सा आ रहा है, इसे गुस्सा आ रहा है। मैं दोबारा रख लूँगा भाई, वापस रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं ओके इसके टांग के बीच में से निकल जाएंगे एंड ये ले ये ले ये ले भाई टैक्टिक्स। अरे नहीं 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 भैया कब तक भागेगा भाई, कब तक भागेगा। ये ले तेरी ऐसी की तैसी एंड इसने फिर से हाथ में वो कहा। अरे नहीं छोड़ दे, नाइस चलो इसने लिटरली छोड़ दिया एंड अब जो है इसका मेरे को लगता है टाइम खत्म। ओके नहीं इसे और गुस्सा आ रहा है, नहीं मुझे लग रहा है अपनी कुछ पावर अनलॉक कर रहा है, ये कुछ पावर अनलॉक कर रहा है एंड ओ ये अपना पेट फाड़ रहा है एंड भाई वो व्हाट इज दिस, ये क्या है ये क्या है। चलो भाई फिर से लड़ने का टाइम आ चुका है, ये ले तेरी भैंस की ये ले। ओके अब भाई ये लिटरली फायर वाले अटैक्स कर रहा है मेरे ऊपर एंड भागो यहाँ से। दोबारा से अपनी सिंगल कटाना में स्विच करते हैं एंड ये ले तेरी भैंस की ये ले एंड ओ शिट। ओके भाई फिर से अभी पेट से उल्टी कर रहा है, इस बंदे का पेट कितना खराब है भाई, एक मिनट भैया। और ओके ये ले तेरी भैंस की एंड ओके भाई ये पगलाता जा रहा है। मुझे नहीं लगा था किरमाड़ा इतना स्ट्रांग होगा। और देखो भाई अपने दोबारा से पेट से पता नहीं क्या क्या निकाल रहा है। ओके भाई और पगलाता जा रहा है, अभी और ज़्यादा गंदे गंदे अटैक्स कर रहा है एंड ये लो इसकी ये फायर वाला अटैक जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ये ले भाई मेरा स्पेशल अटैक और इसका खात्मा, नाइस। और गाइस ऐसे हम लोगों ने जो हमारे किरमाड़ा का अंत कर दिया है। ओ भाई दिस वाज द रियल भाई बैटल, ये सही में काफी ज्यादा मस्त बैटल थी। और जब हमने पूरे वर्ल्ड को दोबारा से बचा लिया तो हम लोग एक बार चलते हैं ओल्ड मैजिशियन के पास में और उन्हें एक खुशखबरी देके आते हैं। ओल्ड मैजिशियन मैंने फाइनली किरमाड़ा को हरा दिया, अब हमारा डार्क हीरोज वर्ल्ड एकदम सेफ है ना। ये बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां पे बुलाया, असल में किरमाड़ा और कुछ नहीं बल्कि एक डिस्ट्रैक्शन था, असली बॉस तो कोई और ही है, असली बॉस है नॉच। वेल ये एपिसोड तो खत्म हो गया लेकिन आगे आने वाला एपिसोड इससे भी ज़्यादा भयंकर होने वाला है और हम लोग जो है और भी ज़्यादा मॉब्स और भी ज़्यादा बॉसेस और भी ज़्यादा एडवेंचर्स पे जाएंगे और वो एपिसोड निकलेगा आज शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए अगर तुम लोग को मेरी हीरो बैन वाली वीडियो देखनी है तो फिर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, नहीं तो एंटिटी 303 की वीडियो देखने के लिए राइट वाली पे। एंटिल देन आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय।